5 रुपए हो जाएगा तो 10 लाख रुपए हो जाएगा, समझ गए? और क्या, 1 रुपए होगा तो 2 लाख रुपए होगा, तो जितने भी होगा अगर ये 5 लाख से ऊपर आता है उसमें 50% हम माइक बांट देंगे। जब लोग संडे को आएंगे माइक लेके, माइक दे दिया करें, हम भी आएंगे, समझ गए आप? अगर 5 लाख से ऊपर प्राइस जाता है, मिलता है हमको, तो हम उसका 50% देंगे। मेरी बात समझ गए? नहीं समझे? अगर 5 लाख से नीचे रहता है तो पूरा दे देंगे। क्या बोले, सही रहेगा ना? मान लो इतने कॉइन हमें मिले हुए हैं, अगर ये इनकी वैल्यू 5 लाख पहुंच जाती प्लस, तो उसका 2.5 लाख कम कर देंगे गिवे। अगर 5 लाख से कम होता है तो पूरे कम गिवे कर देंगे। जैसे जैसे लोग संडे को आएंगे उसके माइक खरीद के, जो भी 800-900 हजार का माइक पड़ेगा वायरलेस वाला, वो आपको दे दिया जाएगा। तो इसी बात में हमें स्टॉक कॉम्बैट की तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि टैग चैंपियन सपोर्ट उर्फ यूट्यूब वाले बाबा ने जैसा कि कहा कि होमेस्टर कॉम्बैक्ट से वो जितना भी पैसा कमाएंगे उन पैसों में से 50% पैसे का जो है वो अपने सब्सक्राइबरों को जो है वायरलेस माइक जो है वो गिव अवे जो है वो कर देंगे, यानी कि गिफ्ट जो है वो दे देंगे। अगर उनके 5 लाख रुपए जो है वो आते हैं होमेस्टर कॉम्बैक्ट से, तो उनमें से 2.5 लाख रुपए का जो है वो अपने सब्सक्राइबरों को जो है वायरलेस माइक जो है वो गिव अवे कर देंगे, और 2.5 लाख रुपए जो है अपने पास रखेंगे। या होमेस्टर कॉम्बैक्ट से उनको 2.5 लाख रुपए आते हैं या 2 लाख रुपए आते हैं, तो सारे पैसों का जो है वो वायरलेस माइक जो है वो गिव अवे कर देंगे। और होमेस्टर कॉम्बैक्ट पर जो है उन्होंने कम से कम 7 से 8 वीडियो जो है उन्होंने अपलोड जो है वो किया था, और यहाँ पर लोगों का टाइम भी जो है उन्होंने बर्बाद किया होमेस्टर कॉम्बैक्ट जैसे फेक एप्लीकेशन का जो है प्रमोट करके। मगर दोस्तों होमेस्टर कॉम्बैक्ट ने सबको जो है वो ठेंगा दिखा दिया, किसी को जो है वो कुछ भी नहीं मिला। बहुत सारे लोग जो होमेस्टर कॉम्बैक्ट पर जो है 4 महीने से जो है वो मेहनत कर रहे थे, फिर भी दोस्तों उनको जो है वो चिल्लर जो है वो हाथ लगा। और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से टैग चैंपियन सपोर्ट ने जो है होमेस्टर कॉम्बैक्ट को जो है वो प्रमोट किया है कि क्या ही कहें। जो भी चीज़ इंटरनेट पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो वायरल होने लगता है, उस चीज़ पर जो है टैग चैंपियन सपोर्ट जो है वो वीडियो ज़रूर बनाते हैं, भले वो चीज़ जो है भले वो आपके फ़ायदे के लिए हो या आपके नुकसान के लिए हो, भले उसमें आपका फ़ायदा हो या ना हो, बस टैग चैंपियन सपोर्ट का जो है वो वीडियो पर व्यू जो है वो आना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो जानते हैं। टैग चैंपियन सपोर्ट को ये बात अच्छी तरीके से पता था कि होमेस्टर कॉम्बैक्ट जो है अभी ट्रेन में जो है वो चल रहा है, और इस पर वो वीडियो बनाएंगे तो यूट्यूब से वो लाखों रुपए जो है वो छाप सकते हैं। इसीलिए उन्होंने यूट्यूब पर धराधर 6 से 7 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया, भले किसी की कमाई हो या ना हो, होमेस्टर कॉम्बैक्ट से जो है किसी का नुकसान हुआ हो, किसी का टाइम जो है वो बर्बाद हुआ हो, इससे जो है यूट्यूब वाले बाबा को जो है वो कोई भी फर्क नहीं है। उनको बस व्यूज आना चाहिए वीडियो में, उन्हें जो है वो कोई भी मकसद नहीं है कि आपको जो जो वो सिखा रहे हैं आप सीखें या ना सीखें, आपका फायदा हो या ना हो, आप भार में जाए, बस YouTube वाले बाबा का जो है वो व्यूज भर भर के जो है वो आना चाहिए। टैग चैंपियन सपोर्ट उर्फ यूट्यूब वाले बाबा के जो ऑडियंस है वो सबसे ज़्यादा जो है वो बच्चे हैं, जो कि 18 साल से जो है वो कम है, उसके बाद जो है कुछ महिलाएं हैं जो कि यूट्यूब वाले बाबा पर जो है वो विश्वास करते हैं, और वो मासूम लोग जो कि यूट्यूब वाले बाबा पर जो है वो विश्वास करते हैं आंख बंद करके, और उनकी तारीफ़ें करते हैं और यूट्यूब वाले बाबा की जो है वो नारा लगाते हैं, मगर आंख बंद करके उनके ऊपर जो है वो विश्वास करते हैं, ये ज़्यादा दिन जो है यूट्यूब वाले बाबा की जो है वो नहीं चलेगा, धीरे धीरे सबके सामने जो है उनका राज जो है वो खुल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब वाले बाबा जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं सिखाते हैं। अगर आप उनके चैनल पर जाएँ तो आपको जो उनके चैनल पर जो ज़्यादातर जो ट्रेन में चल रहा है वही वीडियो जो है वो आपको देखने को जो है वो मिलेगा। यूट्यूब वाला बाबा अगर फेमस हुआ है तो वो हुआ है मनोज दे के वजह से, और उन यूट्यूबरों के वजह से जो कि पहले से फेमस थे, इन्होंने सबके साथ जाके जो है वो कोलैबोरेशन किया, तब जाकर के आज जो है यूट्यूब वाले बाबा जो है इतनी जल्दी जो है वो फेमस हुए हैं। और फेमस होने के बाद जो है यूट्यूब वाले बाबा को जो है वो लोगों को जो है वो सिखाना चाहिए, मगर यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि जो चीज़ भी ट्रेन में आए भले वो टट्टी क्यों ना ट्रेन में आ जाए, यूट्यूब वाले बाबा जो है उसी टॉपिक पर जो है वो वीडियो बना देंगे कि भाई साहब ये टट्टी है और ये जापान से आया है, और इसे हम अगर अपने बदन पर लगा लें तो आपका जो बदन है वो गोरा चिट्टा हो जाएगा, उन्हें कोई भी फिक्र नहीं है आपकी।
तो YouTube वाले बाबा से जो है आप जाकर के जो है वो सवाल करिए कि आप सबको जो है वो जो गिव अवे देने वाला था वायरलेस माइक, तो वो वायरलेस माइक का जो है वो क्या हुआ, आखिर YouTube वाले बाबा ने जो है अब तक जो है वायरलेस माइक जो गिव अवे करने वाले थे आखिर वो गिव अवे जो है वो कहाँ गया। हुमेस्टर कॉम्बैक पर जो है YouTube वाले बाबा जो है आजकल चर्चा भी जो है वो नहीं कर रहे हैं कि आखिर हुमेस्टर कॉम्बैक से उन्हें कितना पैसा मिला। तो उनकी जो ऑडियंस है वो उनसे सवाल जाके करें कि आखिर हुमेस्टर कॉम्बैक से जो पैसा आपको आने वाला था आखिर आपको कितना पैसा आया, और आप जो वायरलेस माइक जो गिव अवे करने वाले थे अपने सब्सक्राइबर को, जो सब्सक्राइबर आप पे इतना विश्वास करते हैं, तो वो गिव अवे आप हमें कब तक दे रहे हैं। तो जाके सवाल करिए टैग चैंपियन सपोर्ट उर्फ यूट्यूब वाले बाबा से। तो दोस्तों मैंने आप सभी को टैग चैंपियन सपोर्ट उर्फ यूट्यूब वाले बाबा की पूरी सच्चाई जो है इस वीडियो में के माध्यम से जो है मैंने आपको बता दिया है। अब आप सबका जो है वो काम है उनके कमेंट बॉक्स में जाके, उनके इंस्टाग्राम पर जाके उनको ट्वीट करके जो है वो पूछने का कि आपका जो गिफ्ट है, जो गिफ्ट आपको देने वाला था टैग चैंपियन सपोर्ट, वो गिफ्ट जो है वो कहाँ है, और होमेस्टर कॉम्बैक्ट पर जो है नेक्स्ट वीडियो उन्होंने जो है वो क्यों नहीं बनाया, जाके सवाल करिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।